अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजी हेज। और ये वीक के यहाँ पे जो सेशन शुरू करते हैं, जहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन से स्मार्टफोन्स इंडिया के अंदर लास्ट वीक लॉन्च हुए थे और इन सारे स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है परचेस करने के लिए। उससे पहले आप लोगों को बता दो कि अगर आपने मेरा टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन जो है वो अपडेट नहीं किया तो आप जाके कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें एक अपडेट आया है। अब आपको मेरे जो वीडियोस आएंगे, जो नोटिफिकेशन आते हैं, अब आप उस पर जब टैप करेंगे तो आपको डायरेक्टली मेरे वीडियो में लेकर चला जाएगा। साथ में उसका एंड्रॉइड ओ का सपोर्ट है और साथ में काफी सारे बग्स फिक्स्ड हुए, तो आप जाइए इस एप्लीकेशन को जल्दी से जो अपडेट कर लीजिए। तो सबसे पहले स्मार्टफोन की बात करें तो आप लोगों को बता रहे थे कि मोटोरोला ने फाइनली मोटो E4 प्लस इंडिया के अंदर जब लॉन्च कर दिया था लास्ट वीक। और यहाँ पे ये जो स्मार्टफोन है मेरे हिसाब से 10,000 रुपीज़ के अंदर एक्सेप्टेबल है, जहाँ पे अगर हम इस फोन को नोकिया 3 से कंपेयर करते हैं उसी प्राइस में हमें मोटोरोला बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे दे रहा है। आप लोगों को बता रहे थे कि ये जो फोन, इसकी हाइलाइटिंग फीचर ये कि आपको उसके अंदर 5,000 एमएएच की बैटरी मिलती है, जहाँ पे आप लोगों को बता दो कि एक ब्रांड है आपको अच्छी खासी बैटरी लाइफ दे रहा है। ऐसे नहीं कि दूसरी कंपनी की तरह आपको ज्यादा बैटरी दे रहा है, लेकिन आपको 1 GB की रैम दे रहा है और आपको 16 GB की स्टोरेज दे रहा। यहाँ पे रैम और स्टोरेज भी अच्छा है और आपको फीचर्स भी काफी अच्छे मिल रहे हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आपको 5.5 इंच की HD की डिस्प्ले मिलती है, जो कि 2.5D वाली इसके अंदर जो ग्लास आपको आती है। साथ में आपको जो 3 GB की रैम मिलती है, आपको 32 GB की स्टोरेज मिलती है और आपको MediaTek का MT6737 का जो प्रोसेसर मिलता है वो 1.3 GHz के ऊपर क्लॉक्ड है। ये जो प्रोसेसर है वो यूजुअली इसलिए बनाया गया है ताकि वो आपकी जो 5000 mAh की बैटरी है वो और भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। यहाँ पे यानी कि अगर आपको ज्यादा लॉन्ग लाइफ वाली बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए तो ये वाला फोन आप लोगों के लिए बेटर है। आप लोगों को 13 MP का रियर फेसिंग कैमरा मिलता है और आपको 5 MP का स्टैंडर्ड सा सेल्फी कैमरा मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं एडिशनल फीचर्स की बात करूँ तो आपको इसके अंदर मोटो डिस्प्ले वगैरह मिलता है, आपको एंड्रॉइड 7.1.1 ऑफ द बॉक्स मिलता है, आप 2 SIM लगा सकते हैं, प्लस यहाँ पे आप माइक्रोएसडी कार्ड का स्लॉट मिलता है, तो ये भी बहुत ही अच्छी है आपको इसके अंदर जो फीचर मिलती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और यहाँ पे और भी एडिशनल फीचर्स होगी, आपको फ्रंट फेसिंग फ्लैश में कैमरे के साथ में एक फ्लैश मिलता है, यानी कि और भी डिफरेंट टाइप के आपको फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। 10,000 rupees की इसकी प्राइस है तो मेरे हिसाब से ये फोन एक्सेप्टेबल है। 1 लाख फोन इन्होंने अभी तक जो एक दिन में सोल्ड कर दिया, यानी कि काफी सारे लोग इसको पसंद कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने इसको परचेस किए। अगर आपको ये चाहे आप मेरी राय जानना चाहते तो मेरे हिसाब से आप ये फोन जाके परचेस कर सकते हैं। ओवरऑल कहता हूं मैं, अगर ओवरऑल तो ये फोन मेरे हिसाब से काफी सही है। के बाद यहां पे Zolo ने भी अपना 1X का सक्सेसर Zolo 1X Pro जो इंडिया के अंदर लास्ट वीक लॉन्च किया था, जहां पे ये जो फोन है आपको इसके अंदर सिर्फ जो है वो 4G वोल्टेज सपोर्ट मिलता है। आपको उसके बता देता हूं कि इसकी जो प्राइस रखी है वो 5,888 यानी कि ऑलमोस्ट 6,000 रुपीस की आपको प्राइस मिलती है। आपको 5 इंच की इसके अंदर जो HD की डिस्प्ले मिलती है, 2 GB की रैम, 16 GB की आपको स्टोरेज, 2500 mAh की आपको बैटरी मिलती है, 1.5 GHz का आपको अननोन कोड का प्रोसेसर मिलता है। हालांकि ये फोन के अलावा आपको बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में मिल जाते हैं, तो इसलिए मेरे हिसाब से इस फोन के बारे में ज्यादा बात करना जो वो सही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे Vivo ने अपना V5S का एक ब्लू वेरिएंट जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, यानी कि एनर्जेटिक ब्लू कलर उन्होंने जो वो लॉन्च किया है। और Vivo के जो पुराने जितने भी फोन हमें मिलते हैं वो सारे के सारे में पता है कि सिर्फ उस फोन में हमें क्या मिलता है, एक सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन है। बाकी स्पेसिफिकेशंस आपको ठीक ठाक से मिलते हैं और प्राइसिंग यहाँ पे लगभग से उनकी 18,000 से 20,000 रुपए के आसपास ये फोन की मिल जाती है। ये जो फोन एक्चुअली में जो बनाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फी पे फोकस किए। आपको 20 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है और आपको यहाँ पे सब कुछ सेम मिलता है। MT6750 का प्रोसेसर है, 4 GB की रैम, 64 GB की आपको स्टोरेज, 5.5 इंच की आपको HD की डिस्प्ले मिलती है और यहाँ पे आपको 3000 mAh की बैटरी मिलती है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कलर्स वो लोग लॉन्च कर रहे हैं और मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को अगर सेल्फी खींचने के लिए चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा क्रेजी है, तो ही आप इस फोन के लिए जा सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे ऑप्शंस में देखता हूँ मार्केट में पड़े हैं जो इसके अलावा आप वाले फोन जाके परचेस कर सकते हैं। के बाद यहाँ पे Honor ने भी अपना Honor 8 Pro इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पे लास्ट वीक आप इसको फोन को जब जाके परचेस कर सकते थे। यहाँ पे ये जो फोन है मेरे हिसाब से 30,000 rupees की प्राइस रखी, इस बार Honor ने बहुत ही होशियारी से इसकी प्राइस रखी है और मुझे ये फोन इस प्राइस में काफी ठीक लगा है। आपको 5.7 इंच की QHD की आपको इसमें जो डिस्प्ले मिलती है, आपको Kirin का 960 का इनका खुद का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है जो काफी पावरफुल है, लेकिन यहाँ पे ये जो प्रोसेसर है कुछ हद तक गर्म भी जो वो होता है। आपको 6 GB की रैम मिलती है, 128 GB की स्टोरेज मिलती है, आपको 12 MP का डुअल रियर कैमरा मिलता है जो कि मोनोक्रोमिक और RGB वाला कैमरा है, आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है जो कि वाइड एंगल लेंस वाला कैमरा है और आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है जो आपको फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। तो 30,000 rupees में मेरे हिसाब से बहुत कुछ यह स्मार्टफोन आपको दे रहा है, फिंगरप्रिंट स्कैनर, 4G वोल्टी और भी कुछ एडिशनल फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये वाला फोन परचेस करने की सोच रहे हैं आप ये वाला फोन जाके परचेस जो वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे Asus ने भी अपना Asus ZenFone AR इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया था और यहाँ पे ये जो स्मार्टफोन है आप लोगों को बता रहे थे कि ये एक Google Tango इनेबल्ड स्मार्टफोन है, जहाँ पे आप अपने फोन की कैमरे से बहुत
सारी 3D आर्टिफिशियल चीजें के साथ में जो वो छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब ये जो स्मार्टफोन का जो कैमरा आपको 23 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, जहां पे आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे सेंसर्स मिलते हैं, इसलिए आपको इस फोन के कैमरे से जो वो कोई शिकायत नहीं होगी। आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जो भी कुछ हद तक का जो आपको काफी सारा हेल्प कर देता है। अब यहां पे आप लोगों को 5.7 इंच की क्वाड एचडी की डिस्प्ले मिलती है, जहां पे आपको इसके जो वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और कॉर्निंग ग्लास 3 के प्रोडक्शन के साथ में आता है। आपको 8GB की रैम मिलती है और एक 6GB रैम वाला वेरिएंट भी जो वो लॉन्च करने वाले हैं। आपको 3-4 स्टोरेज में आता है, यानी कि 32, 64 और 128GB स्टोरेज। यहां पे आपको एंड्रॉइड 7 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और यहां पे आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 821 का प्रोसेसर मिलता है। आपको 3300 एमएएच की बैटरी मिलती है, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, और यहां पे 50,000 रुपीस की एसुस ने इसकी जो प्राइस रखी है। अब यहां पे प्राइसिंग इसलिए इसकी हाई है क्योंकि जो कैमरा है वो आपको एक नए तरीके का कैमरा मिलता है और यहां पे कुछ नई टेक्नोलॉजी हमें कुछ फोन में देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको बहुत ज्यादा कैमरा यूज करने का शौक है, कुछ 3D चीजें करने का शौक है, या कुछ आपको प्रोजेक्ट या एक्सपेरिमेंट करना है, तो ये वाला फोन आप जाके जो वो परचेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक ऐसा फोन इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया जो कि नैनोफोन सी के नाम से जाना जाता है। ये बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे छोटा स्मार्टफोन है, जो आपकी क्रेडिट कार्ड के जितना साइज के जितना आपको ये फोन मिलता है। आप लोगों को इस फोन में सिर्फ इतना मिलता है कि इस फोन की साइज बहुत ही छोटी है, और अगर आपको यानी कि अगर इस फोन को कहीं पे भी फिट करना है तो आप इसको जो फिट कर सकते हैं, और इमरजेंसी में अगर आपको कॉलिंग वगैरह भी करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ 2G सपोर्ट करता है, 4G वगैरह आप इसका यूज नहीं कर सकते। आपको एक इंच की यहाँ पे जो नॉर्मल सी डिस्प्ले मिलती है TFT वाली, आपको यहाँ पे MediaTek का MT6261 का प्रोसेसर मिलता है, आपको 32MB की रैम और 32MB की स्टोरेज मिलती है, और आपको 280mAh की बैटरी मिलती है। अब ये स्मार्टफोन 4000 रुपीस में इंडिया में लॉन्च किया। अब इतना छोटा स्मार्टफोन है, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई, इसलिए इसका प्राइस जो हाई रखा है। एटलीस्ट यहाँ पे कोशिश कर सकते थे और 4G दे सकते थे, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग ये स्मार्टफोन जो वो यूज कर सकते थे। लेकिन अब खैर ये फोन लॉन्च हो गया 2G में। अब नोकिया ने भी हरकत की 3310 वाली, तो ये कंपनी ने भी की है, लेकिन कुछ नई चीजें आपको मिल रही है। मेरे हिसाब से आप अगर चाहे तो ये वाला फोन भी परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनली कुछ स्मार्टफोन की बात करें जो इंडिया के अंदर एक्सपेक्टेड लॉन्च होने के लिए, तो वो है सबसे पहला Xiaomi का Mi Max 2, यानी कि ये जो स्मार्टफोन है वो 18 जुलाई को यहाँ पे जो लॉन्च होने वाला है, जहाँ पे ये स्मार्टफोन अगर आप चाहे आपको बड़ी स्क्रीन साइज चाहिए और आपको यहाँ पे ज्यादा पावर चाहिए, यानी कि 5300 mAh की बैटरी मिलती है, आपको एक मेटल यूनिबॉडी डिजाइन चाहिए और एक अच्छा, मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज्यादा बैटरी एफिशिएंट फोन होगा क्योंकि स्नैपड्रैगन का 625 यहाँ पे आपको 5300 mAh की बैटरी के साथ में मिलता है। तो वो जो प्रोसेसर वो गेमिंग भी अच्छा करता है, और वो जो प्रोसेसर आपको बहुत ही ज्यादा जो बैटरी देगा, यानी कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग आपकी बैटरी चलेगी। तो ये वाला फोन भी आप अगर चाहे तो ये वाला जाके परचेस कर सकते हैं। प्राइसिंग की जानकारी सारी मैं आप लोगों को जब ये लॉन्च होगा तब जो वो दे दूंगा। और फाइनली एक और स्मार्टफोन जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है इसी महीने बताया जा रहा है, जो कि Xiaomi का A1+ है। आपको इसके अंदर जो 6 इंच की फुल HD की डिस्प्ले मिलेगी और हीलियो का P20 या P25 का समथिंग प्रोसेसर मिलेगा। तो ये प्राइसिंग अगर ये लोग अगर 15,000-20,000 के बीच में रखते तो ठीक है, अगर ये प्राइसिंग 25,000-30,000 रुपए के ऊपर जाती है तो मेरे हिसाब से वर्थ नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसे आप लोगों के लिए डेली वीडियोस लाता रहूंगा और आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।